Hi, a very good evening to one and all. Hi, Ajay. Hi, Malay. Okay. So, first of all, let me know if I'm audible, if I'm visible. Chalo. So, yes, today we have to study about birth control and STDs. ठीक है? तो क्योंकि थोड़ा एडवांस वर्जन है तो STDs के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. बर्थ कंट्रोल पर एज सच कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, बट STDs पर फॉर श्योर कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं. तो गाइस जो ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट कि किसी का भी कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. हाई तन्मय, हाई एवरीवन. सो शेल वी स्टार्ट और शुड वी वेट फॉर सम टाइम? चलो तो लेट्स बिगिन. बर्थ कंट्रोल एंड एसटीडी. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट फ्यू पॉइंट्स. अभी एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में, विच वॉज ऑन संडे, ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स वहां पर डिस्कस कर लिए थे और क्या रह गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो हमने पूरा रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन प्लांट्स एंड एनिमल. तो प्लांट्स में और एनिमल्स में हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं एसटीडी एंड बर्थ कंट्रोल. और रिमेनिंग क्या है जो मैं लास्ट, जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कवर करने वाली हूँ, तो उसमें हम जर्मिनेशन की बात करेंगे. जर्मिनेशन इन प्लांट, बेबी डेवलपमेंट ऑब्वियसली इन ह्यूमंस, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बच गए हैं वो डिस्कस करूंगी. और मे बी सैटरडे को, या तो अगर पॉसिबल होगा मेंटी करेंगे, अदरवाइज हम सैटरडे को आई एम गोइंग टू शेयर सम चार्ट्स विद यू. कुछ चार्ट्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, ठीक है, जो आपको बाकी सारी डिजीजेस और उन सब में हेल्प करेगा. ठीक है, ओके. ओके, चल सो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्या गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. चलो, तो ये हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है जो आपको पीछे नजर आ रही है मेरी फोटो के पीछे, ठीक है. तो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं. एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल, ठीक है, एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन. जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है मेल्स में या फीमेल्स में, विच इज अराउंड 12 to 14 ईयर्स, ठीक है, तो मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में इस एज में प्यूबर्टी हिट करती है, ठीक है, ग्रोथ हो रही होती है, हाइट बढ़ रही होती है, बहुत सारे बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, एट द सेम टाइम गोनाड्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट और हैविंग और ब्रिंग अप चिल्ड्रेन, ठीक है. तो जनरली हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब गोनाड्स डेवलप होने लगे हैं, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बॉयज में प्रॉपर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरेट हो जाता है. तो बेसिकली अगर बोला जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होने लगता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मैच्योर हो जाता है, बट हम मेंटली या सोशली उतने मैच्योर नहीं हुए होते हैं. तो हम नहीं कह सकते ये बात कि अगर प्यूबर्टी के थ्रू या अगर हम मैच्योर हो गए हैं तो उसका मतलब ये है, अगर हमें हमें प्यूबर्टी ने हिट कर दी है तो हम ये नहीं कह सकते हम बेबी प्रोडक्शन के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि बॉडी इज स्टिल ग्रोइंग, वी आर स्टिल मैच्योरिंग, ठीक है. तो हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी? किस रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे? तो बगल में ये जो छोटे छोटे खूब सारे बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि 12, 13, 14 ये एज में प्यूबर्टी आ जाती है,
सेक्सुअली हम एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या ये जो बगल में जो बच्चे खड़े हैं, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो बच्चे तुम्हारे हैं? ठीक है, ऑब्वियसली नॉट. हम खुद उस एज में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे पैदा करने लायक जिम्मेदारी हम अभी नहीं उठा सकते. ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर्स. ठीक है, तुम्हें पता है इंडिया में, इवन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में बाल विवाह होता है, बहुत फोर्स होता है स्पेशली गर्ल्स के ऊपर कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए और शादी होते ही वो ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आ जाए, उनके जल्दी से बच्चे हो जाए भले ही. तो यहाँ पे सिर्फ कहा इतना गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना या प्यूबर्टी का हिट होना ये प्रूफ नहीं करता, ये इट्स नॉट अ ग्रीन सिग्नल कि यस यू आर रेडी टू प्रोड्यूस बेबीज. ठीक है, बिकॉज इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम आर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज वेदर वी आर रियली वॉन्ट टू और नॉट. देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रेन. देयर कैन बी प्रेशर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रेन. इन दिस सिचुएशन मेक चॉइसिस कैन बी रियली वेरी डिफिकल्ट. हम रोज बहुत सारी प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, येस, कॉमन सेंस अप्लाई करो. आदित्य, वी विल डिस्कस इट. ठीक है, सर कराएंगे वैसे तो आपको, अगर सर नहीं कराएंगे तो मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी. ठीक है, तो पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं इस एज में, तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू. अपनी अकल लगाओ, दिखावों पे मत जाओ. तो ये लाइन है जो यहाँ से निकल कर आती है. वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग सेक्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है कि क्या मेच्योरिटी है, प्यूबर्टी हिट हो गई है, तो क्या हम सेक्सुअल एक्ट के लिए एक्टिव हैं? ठीक है, तो सेक्सुअल एक्ट के लिए एक्टिव होने के साथ बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. और बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड लीथल है. ठीक है, हमें डेथ कॉज कर सकती हैं. बहुत सारी डिजीजेस ऐसी कॉज कर सकती हैं जो हमें हमें लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहे और हमारा जो नॉर्मल सर्वाइवल है वो प्रॉब्लम में आ जाए. तो ये जो छोटा सा वर्ड है सेक्सुअल एक्ट, जो बहुत छोटा लगता है, इजी लगता है बिकॉज ऑफ स्क्रीन, मोबाइल और ये सब चीजों की वजह से, वो एक्चुअली इट्स नॉट दैट स्मॉल. इट्स इट कैन बी वेरी रिस्की. सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीजेस कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. ऑब्वियसली दो पर्सन बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो एक को अगर कोई डिजीज है, ठीक है, तो वो फॉर श्योर दूसरे को ट्रांसमिट होगी ही होगी. दीज इंक्लूड, अब कौन सी एसटीडीज हैं जो इंक्लूड होंगी, तो ये हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है गोनोरिया और सिफाइलिस. मोस्ट कॉमन एसटीडी डिजीज है गोनोरिया सिफाइलिस. ठीक है, और वायरल कौन सी है, एचआईवी. तो पहले दो क्वेश्चन तुम्हारे एनटीएससी के लिए यहीं से कवर होते हैं. ठीक है, के गोनोरिया और सिफाइलिस कौन से डिजीजेस हैं, दीज आर दी बैक्टीरियल डिजीजेस एंड एचआईवी एड्स इज अ वायरल डिजीज. ये बहुत सारा यस. ठीक है, आसिफ हुसैन, सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आसिफ हुसैन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, यस अक्षत, यू आर राइट. अगर वहां दो से ज्यादा बच्चे होते हैं चाइना में, तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज देती है वो रुक जाती है. और आपको पता होना चाहिए अभी इंडिया में भी होने वाला है. ठीक है, कि अगर दो से ज्यादा बच्चे हुए तो तीसरा अगर आपका बच्चा हो गया, तो उसके बाद जो गवर्नमेंट आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है वो प्रोवाइड नहीं कराएगी. ठीक है, ओके.
फर्स्ट चैप्टर सेल ही था, ठीक है? तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो यू विल गेट इट, ठीक है? आसिफ हुसैन सेल हम पूरा पढ़ चुके हैं। चल तो अब आ जाओ, पहले बात करते हैं कि जो एसटीडीज हैं, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम सिर्फ एसटीडी से ही नहीं बच सकते, उसके अलावा पॉपुलेशन इंक्रीज करने से भी बच सकते हैं। तुम्हें पता है कि इतनी सारी जो सोसाइटी में जो मेन मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं कि जितना मटेरियल है अर्थ पे, ठीक है, जितना सामान है अर्थ पे, अब पॉपुलेशन उससे ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि जॉब्स जितनी है पॉपुलेशन उससे ज्यादा है, तो हर किसी को जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है तो रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं, रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन होने की वजह से बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सारे नंबर ऑफ थिंग्स सोसाइटी में बढ़ गई हैं। तो बेसिक जो रीजन है प्रॉब्लम का वो है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल किसी भी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम एसटीडीज पढ़ेंगे, ये बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस इनसे रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में या फिर तुम्हारे एनटीएससी के एग्जाम में आ सकता है। इंसेक्ट्स भी डरते हैं चाइना जाने से। चलो तो फर्टिलाइजेशन एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू 3 मेथड्स। तो बेसिकली पॉपुलेशन को घटाने के लिए, एट द सेम टाइम तुमने यूएस या यहाँ पर देखा है कि गर्ल्स में अर्ली एज प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सम मेथड्स कैन बी वेरी यूजफुल, ठीक है? तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल, केमिकल, सर्जिकल, इनमें कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से बहुत सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, किसकी वजह से एसटीडी नहीं होता, कौन से हार्मोनल चेंजेस करते हैं, एंड सो ऑन। तो ध्यान से सुनना, सब जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में सुनना। चलो सबसे पहले मैकेनिकल बैरियर, नेम से ही समझ आ रहा है, एक मैकेनिकल बाउंडिंग, ठीक है, बिटवीन टू सेक्स ऑर्गन्स इज द मैकेनिकल बैरियर, ठीक है? तो इट्स अ फिजिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड एग। ऑब्वियसली अगर स्पर्म और एग को फर्टिलाइज ही नहीं होने देंगे तो बेबी प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। वन मेथड टू क्रिएट मैकेनिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एंड द एग इज यूज ऑफ फाइन रबर कॉल्ड कॉन्डम, विच इज वॉर्न आउट इन टू द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स। अनदर मेथड विच विल हेल्प इन क्रिएटिंग द मैकेनिकल बैरियर बिटवीन स्पर्म एग इज द यूज ऑफ इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव IUCD। अब ये वाला मेथड तो कॉमन है, सबको पता है, हाँ, लेकिन सब ये सबसे अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम एसटीडीज को रोक सकते हैं। तो पूछा जाता है विच इज द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल एसटीडीज, सो इट्स दिस मैकेनिकल बैरियर। उसके बाद ये ऑब्वियसली मेल्स में यूज होता है, फीमेल्स में IUCD है, इंटर यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, लेकिन ये फीमेल में जिस तरह यूज होता है, इसका सिंपल इम्प्लांटेशन वेजाइना में होता है, लेकिन ये एसटीडीज कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है? अगर जर्म्स पास हो रहे हैं तो जर्म्स इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैरियर नहीं है, ये बैरियर एसटीडी के लिए नहीं है, जर्म्स के लिए नहीं है, ये बैरियर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म के लिए है, ठीक है? ओके आसिफ, आई विल टॉक टू द टीम, ठीक है आसिफ? मैं टीम से बात करती हूँ कि सिर्फ दो ही वीडियोस क्यों हैं, ठीक है? ओके चलो, तो उसके बाद एक मैकेनिकल हो गया, तो मैकेनिकल में मेल और फीमेल का याद रखना। दूसरा केमिकल मेथड, ऑब्वियसली हम केमिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ड्रग्स की बात होगी, बहुत सारे हॉर्मोन्स की बात होगी, और इसमें क्या करते हैं, सिंपल कुछ पिल्स यूज करते हैं। ये पिल्स जनरली फीमेल्स यूज करती हैं, इस फीमेल से क्या होता है, एग का फॉर्मेशन या एग का रिलीज प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। तो अगर एग रिलीज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एग रिलीज ही नहीं हो रहा है, एग बन ही नहीं रहा है, तो फिर प्रोसेस कैसे फॉर्म होगी। वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव इज टेकिंग ओरल, ठीक है, मतलब खा सकते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब रोकना, बर्थ को रोकना, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ठीक है? तो ये बेसिकली फीमेल के हॉर्मोन्स को चेंज करती है, ठीक है? तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है,
oral contraceptive changes hormonal balance of the body so that the ovum is not released from the ovary. तो ओवा कहाँ रिलीज होके आएगा? ओवा रिलीज होके आएगा फेलोपियन ट्यूब में, और जहां पे स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा. तो अगर ओवा फेलोपियन ट्यूब में आए ही ना, ठीक है, तो फिर प्रेगनेंसी होगी नहीं. और ओवा नहीं आएगा तो क्या इसका मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बट कंप्लीट ओवा फॉर्मेशन या ओवा का फेलोपियन ट्यूब में आना नहीं होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. दूसरा है सर्जिकल मेथड. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं. सर्जिकल मेथड ऑब्वियसली नेम से ही पता लग रहा है कि सर्जरी होती है इसमें. ये सर्जरी सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या मेल में ही होती है, क्या फीमेल में ही होती है? नहीं, तो मेल फीमेल दोनों में होती है. तो नेम क्या क्या है मेल और फीमेल में? एक तो है ये वैसेक्टोमी, ठीक है, और एक है ट्यूबेक्टोमी. ठीक है, बच्चे नाम में बहुत सुपर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है वैसेक्टोमी मतलब वेजाइना से रिलेटेड होगी और ट्यूबेक्टोमी टेस्टिकल से रिलेटेड होगी, बट नो, क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, बिल्कुल ही इंटरचेंज बात है. वैसेक्टोमी क्योंकि कहाँ होता है? वास डिफरेंस में होता है. उसको क्या करते हैं? वास डिफरेंस की जो ट्यूब है उसे कट कर देते हैं. वास डिफरेंस से अगर तुम्हें याद होगा तो क्या होगा, स्क्रॉटम में जो एग बनते हैं वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाते हैं. तो यहाँ पे क्या करते हैं, कट लगा देते हैं. कट लगाने के बाद इस ट्यूब को फोल्ड करके थ्रेड से बांध देते हैं, ठीक है, और क्योंकि ये वास डिफरेंसिया में हो रहा है तो उसे कहते हैं वैसेक्टोमी. ठीक है, तो अब याद रखना, इसे फीमेल ऑर्गन के साथ कंफ्यूज मत करना. दूसरा है ट्यूबेक्टोमी. ट्यूबेक्टोमी में क्या है, क्योंकि ये कहाँ होता है, ये ट्यूब में होता है. कौन सी ट्यूब में? फेलोपियन ट्यूब में. तो सेम जैसे ये किया है, यहाँ पे भी फेलोपियन ट्यूब में कट करके थ्रेडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एग आ नहीं पाता, एग आ नहीं पाएगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. दूसरी बात, दूसरा क्या क्वेश्चन था, कि इज इट रिवर्सिबल? तो यस, इट इज रिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट कई कई बार इरिवर्सिबल भी हो जाता है. तो ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम वैसेक्टोमी का ही डायग्राम है. ओके आसिफ, थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, थैंक्स अलॉट. मैं अभी चेंज करा देती हूँ, ठीक है आसिफ, थैंक यू. आईयूसीडी एंड कॉन्डम. आईयूसीडी फीमेल्स में यूज है एंड सेकेंड ऑप्शन इज इन मेल. ठीक है, चलो अब इधर आ जाओ. ठीक है, तो इंसीजर एट द बेस ऑफ स्क्रॉटम. तो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, राउंडेड पोर्शन में कट लगा दिया है, और फिर ठीक है, चलो. इट्स मैकेनिकल बैरियर. तो सर्जिकल में ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब आर टाइड बाय अ थ्रेड टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ ओवा फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टू ओविडक्ट. ठीक है, जा ही नहीं पाएगा तो कैसे हो पाएगा? तो तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे जो ट्यूब होनी चाहिए वो कट हो चुकी है. ठीक है, बट पीरियड्स एंड एवरीथिंग इज जस्ट नॉर्मल, लेकिन ओवा पास नहीं हो पाएगा. ठीक है, चल. हाय आर्यन. अब उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये एक चीज हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस नहीं की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज. तो बेसिक वर्ड में अगर मैं तुम्हें एक वर्ड में जल्दी से समझाऊं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कॉज होती है. क्यों वेरिएशन कॉज होगी? क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स यानी कि 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहाँ से आएंगे? मदर से, ठीक है, ओवा के न्यूक्लियस के थ्रू, और कुछ कहाँ आएंगे? फादर के स्पर्म्स के थ्रू, फादर के न्यूक्लियस में. तो 23 फादर की फैमिली से जो भी बने हैं वो आएंगे, जो मदर की फैमिली से थे वो आएंगे, और दोनों कंबाइन करके एक नया कुछ बनाएंगे. तो इट्स वेरिएशन. तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन कॉज करती है. अब तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ, वेरिएशन वेरिएशन इतना बात करते हैं हम, आगे जेनेटिक्स में भी खूब भर भर के हम वेरिएशन पढ़ने वाले हैं. तो क्वेश्चन इज, माय क्वेश्चन इज, व्हाई वेरिएशन इज दैट इंपॉर्टेंट? क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट? क्यों डिस्कस करते हैं वेरिएशन है वेरिएशन है बोलते जाते हैं, क्यों? व्हाई वेरिएशन इज दैट इंपॉर्टेंट?
वेरिएशन मतलब अलग अलग वेराइटी है, सारे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग हैं, वी आर नॉट क्लोन्स ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे जैसे तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे अगर तुम खुद को देखो तो तुम्हारे कुछ कैरेक्टर्स तुम्हारे फादर से मैच करते हैं, तुम बोलते होगे कि ये तो ना पापा जैसा है, या मम्मी ऐसे बहुत बोलती होंगी, तू तो अपने नाना पे गया है, तू तो अपने दादा पे गया, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। क्यों बोलते हैं ये? ऑब्वियसली क्योंकि कुछ क्रोमोसोम्स मम्मी से और कुछ पापा से, कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर जिसके भी जो भी थे वो मिक्स मैच होके तुम बने हो, ठीक है। अब क्योंकि तुम बने हो, तुम कॉपी तो हो, थोड़े थोड़े तो हो अपने पापा या मम्मी जैसे, बट एग्जैक्ट नहीं हो, वेरिएशन है। हम सारे ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से अलग है। इवन जो बोलते हैं ना कि हाँ ये अमिताभ बच्चन की कॉपी है, शाहरुख खान की कॉपी है, वो भी कॉपी जैसे लगते तो हैं, बट तुम सबको पता है कि नो टू इंडिविजुअल्स ऑन दिस अर्थ आर सिमिलर। और ये वेरिएशन क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि मेल एंड फीमेल दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, तो वेरिएशन हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, वेरिएशन म्यूटेशन के बाद आती है, ठीक है, ओके। इवोल्यूशन, वेरिएशन कई सारे रीजन से होती है। वेरिएशन एक तो इस रीजन से होगी कि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि मम्मी में जो कैरेक्टर्स हैं वो नाना नानी, उनके नाना नानी सबके वजह से आए हैं, पापा में जो है उनके दादा दादी, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो आए, तो दोनों अलग अलग फैमिलीज से थे, दोनों के अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स थे, मिक्स हुए तो वेरिएशन आया, ठीक है। एक वेरिएशन तो ये आया, अभी जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी ना तो मैं इसके बाद हेरिडिटी ही पढ़ाऊंगी, तब डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, उस वक्त बताऊंगी और ज्यादा। और एक वर्ड तुमने पूछा है कि मैम म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है? सपोजिंगली किसी के हेयर है, ठीक है, किसी के हेयर ब्राउन कलर के हैं, उसके पापा के मम्मी के सबके बाल ब्राउन है, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे के बाल ब्लैक हो गए हैं, सारी उसकी जनरेशंस के बाल ब्लैक थे, लेकिन अभी उसके बाल ब्लैक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो कोडिंग थी, जीन्स में कोडिंग होती है, तो ए बी सी डी सपोज कर लो कोडिंग थी ब्राउन हेयर के लिए, लेकिन अचानक से क्या हो गया, इसमें एक ड्यूप्लीकेशन हो गया, बी को एक बार ही बनना था लेकिन बी दो बार बन गया, ए बी बी सी डी बन गया, ठीक है, ये म्यूटेशन हो गया। एक बार कॉपी होनी थी, एक बार कॉपी ना होके दो बार कॉपी हो गया। न्यू सेल कैसे बनते हैं? न्यूक्लियस की कॉपिंग ही तो होती है जब दूसरा न्यूक्लियस बनता है, तो उस कॉपिंग में ये बी दो बार कॉपी हो गया, तो ए बी बी सी डी बन गया, और ये कोड किसके लिए है? ब्लैक हेयर के लिए। तो दिस इज हाउ म्यूटेशन अकर्स, ठीक है। ट्विंस कैसे होते हैं? तो ट्विंस होने का बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है कि दो एग होते हैं और दो स्पर्म्स होते हैं, हिट करते हैं दो, ये बहुत कम चांसेस में होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो जायगॉट होता है वो तुम्हें पता है कि सिंगल सेल होता है, फिर दो बनते हैं, फिर चार बनते हैं, कई बार ये जो सेल बनते हैं ये सेल बनने के बाद एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं, जब सेपरेट आउट होते हैं तो इंडिविजुअली डेवलप करने लगते हैं और दो बेबीज बन जाते हैं, और बहुत सारे टाइप के ट्विंस होते हैं, जो तुम्हें मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर जब हेरिडिटी पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, ठीक है। ओके ओके ठीक है, अब यहां तक किसी को डाउट? उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन क्यों करता है? मैंने तुमसे पूछा वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वेरिएशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस अभी हमें समझ आ गई है कि जब हमें ये कोरोना का अटैक हुआ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, अगर हम सब एक जैसे होते, ठीक है, तो अगर हम सब वो बात, कुछ जैसे कुछ इंडिविजुअल्स में क्या हुआ, विद इन 3 डेज डेथ हो गई कुछ लोगों में, है ना, आया कोरोना और धड़ धड़ लोग खड़े खड़े गिर रहे थे और बहुत फास्ट डेथ हो रही थी लोगों की, तो वो सारे लोग जो इम्यून नहीं हो पा रहे थे, जो जिनके लिए ये बहुत खतरनाक वायरस था, वो जल्दी जल्दी मर रहे थे। कुछ टाइप के लोग क्या थे कि उन्हें 15 से 20 दिन बहुत हाई फीवर रहा, हॉस्पिटलाइज रहे, बहुत मुश्किल से वो बचे, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, उनके अंदर कोरोना आया चला गया, हल्का सा सर्दी जुकाम कुछ हुआ और उन्हें पता ही नहीं कि हमें कोरोना हो गया है, हम वी आर कोरोना पॉजिटिव। तो ये एक तीसरे टाइप के लोग थे, है ना। अगर हम सारे लोग तीसरे टाइप के होते तो हमें कोरोना, कितने वायरसेस आते हैं जाते हैं पता ही नहीं लगता, ठीक है, तो अगर हम सारे ये होते तो
तो हमें पता ही ना लगता। और अगर गलती से हम सारे ये फर्स्ट टाइप के होते जो 3 दिन में मर गए, तो पूरी दुनिया से ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज खत्म हो जाती है ना। तो वेरिएशन होने से क्या होता है, अलग अलग ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग जो ये वायरसेस आते हैं, उनसे लड़ने की ताकत मिलती है और हम अपनी स्पीशीज को बचा पाते हैं। ठीक है, एक साथ की कोई भी प्रॉब्लम आने से पूरी स्पीशीज वाइप आउट नहीं होती है, यही सबसे बड़ा फायदा है वेरिएशन का। ठीक है, किसका डिफरेंस अजय, विच डिफरेंस यू आर टॉकिंग? अच्छा, बर्थ कंट्रोल और एसटीडी। बर्थ कंट्रोल, ये जो हमने फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल बैरियर्स पढ़े हैं, मैकेनिकल, केमिकल और सर्जिकल बैरियर्स पढ़े हैं, ये क्या है? ये बर्थ कंट्रोल है। इसके थ्रू बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके थ्रू प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और एसटीडी क्या है? एसटीडी तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो इंटरकोर्स की वजह से डिजीजेस एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, और कुछ बर्थ कंट्रोल एसटीडी को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करते हैं। जिसमें से कौन है, बस एक जो कंट्रोल करने में हेल्प करता है, मैकेनिकल बैरियर, वो भी दैट्स इट, ओनली वन, द कॉन्डम। ठीक है, चलो और कुछ डाउट? ओके, दे विल कम वैष्णवी, दे विल कम सून, अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, तो आई विल से देम। ठीक है, बस हो गया डाउट पूरा, अब आगे चले, क्योंकि एसटीडी थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करना है, तो आई होप अब यहां तक क्लियर हो गया। अब एसटीडी में आ जाए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। नेम से समझ आ रहा है, ठीक है, इंटरकोर्स के थ्रू दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो डिजीजेस कौन कौन सी हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, तो कुछ नाम, बस नाम, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस जितना मैंने चार्ट बताया है, ये मैंने WHO से चार्ट लिया है, तो थोड़ा सा, ठीक है, यस, चलो। तो क्लैमेडिया, क्लैमेडिया इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल्स, ठीक है, गोनाड्स में ये हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज है, ठीक है, इचिंग, बर्निंग, ये सब सेंसेशन कॉज करेगा, प्लस इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है मैन में और वीमेन में, तो क्लैमेडिया है। याद रखो क्लैमेडिया, बस एक बहुत बड़ी चीज याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है, तो कहीं पे अपने जहां पे तुम तैयारी कर रहे हो वहां पे लिख लेना क्लैमेडिया, और ये है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, होती कैसे है? बाय हैविंग वेजाइना और एनल सेक्स विदाउट कॉन्डम विद समवन हु हैज द इन्फेक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है, मदर से बेबी को भी हो सकता है, और आई और चेस्ट में इन्फेक्शन होता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? वीमेन्स ऑफन हैव नो सिम्टम्स, ठीक है, वीमेन में इसके कोई सिम्टम नहीं होते, पेन या कुछ, नथिंग इज देयर। ठीक है, लोअर एब्डोमिनल प्लेन, चेंजेस इन ब्लीडिंग पैटर्न, मैन मे हैव नो सिम्टम्स और मे हैव वॉटरी थिक डिस्चार्ज। ठीक है, ये सब सिम्टम्स, इट्स योर विश, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, अदरवाइज डिजीज मेन है जो याद रखना। अब सबसे बड़ी जो बैक्टीरियल डिजीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वह है गोनोरिया। बैक्टीरियल डिजीजेस है जेनाइटल की, थ्रॉट को भी हार्म करती है, एनस को हार्म करती है, एंड कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, पर्टिकुलरली इन वेमेन। ये भी किसके थ्रू होगी? ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे पहले है वैसे ही यहाँ भी है। सिम्टम्स आई एम नॉट रीडिंग फॉर यू, क्योंकि सिम्टम्स जनरली नहीं पूछे जाएंगे, मेन जो पूछा जाएगा वो ये है कि किस में ज्यादा होता है और किसके थ्रू ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिफाइलिस, गिनोरी और सिफाइलिस पे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी बैक्टीरियल है। ठीक है, तो तीन बैक्टीरियल, ये तीसरी बैक्टीरियल है। ठीक है, ये कहाँ से होगा? ये जरूरी, सिफाइलिस की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखने वाली है वो ये है, ये जरूरी नहीं है कि इंटरकोर्स के थ्रू ही ट्रांसफर होगी। अगर दो सिंपल पीपल हग भी कर रहे हैं और दोनों को सपोज कर लो कि फोड़ा हो गया यहाँ पे या कट है,
ठीक है, तो इन्फेक्शन बॉडी के ब्रेक, तुम्हें कट हो गया है, ठीक है, किसी एक पर्सन को कट हो गया है, दूसरा जो पर्सन है उसको कुछ पिंपल है या फोड़ा जैसा कुछ हो गया, और दोनों के हैंड्स कांटेक्ट में आए और उसको सिफाइलिस है, तो दूसरे को भी सिफाइलिस हो सकता है, ठीक है। प्लस दो थ्रू दी ब्रेक और स्किन और लाइनिंग ऑफ द जेनाइटल एरिया ओवर द टाइम गोज ऑन टू द डैमेज द इंटरनल ऑर्गन। तो सिफाइलिस इतनी डेंजरस है कि तुम्हारे जो क्या बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कॉज कैसे होता है, तो ये सब तो सेक्सुअली तो ट्रांसमिटेड है ही है, उसके अलावा बेबी को तो ट्रांसफर है ही, और स्किन टू स्किन अगर कट है, ब्रेक है, स्पेशली कहाँ के ऑर्गन्स में, जेनाइटल ऑर्गन्स में, ठीक है। चलो स्पेशल क्लास का टाइम है बच्चा, कल 1 PM। NTSC का पूछ रहे हो या क्लास 10? क्लास 10th का है 1 PM, ठीक है, ओके। चलो तो नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ब्लड टेस्ट, ये तीनों के लिए है कि ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, एंटीबॉडीज लेनी पड़ती है, तब जाके कहीं करेक्ट होता है। अब आ जाओ ट्राइकोमैनियासिस, ठीक है, ये क्या है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस इज अ स्मॉल पैरासाइट। तो अभी तक बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, अब ये कुछ पैरासाइट्स आ गए हैं। ये पैरासाइट है जो कॉज करता है इरिटेशन इन वेजाइना इन ह्यूमन एंड कॉज इरिटेशन इन साइड पेनिस इन मैन, ठीक है। ऑब्वियसली ये इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। विमेन्स मे हैव नो सिम्टम्स और येलो ग्रीन फ्रॉथी वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ऑल, ठीक है। एंटीबायोटिक टेबलेट और ये सब चीजों से हेल्प हो सकता है। अब ये आ गए बॉस, सारी एसटीडी के बॉस, जिसने एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, ठीक है, HIV, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बता दो तो मुझे जरा, कौन बताएगा? फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड फुल फॉर्म ऑफ HIV, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, एट द सेम टाइम तुम 9th से पढ़कर आए हो तो 9th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। वन पी एम ओनली, ठीक है, 1 PM ही है टाइम। जल्दी बताओ STD, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑकवर्ड, एक्वायर्ड, हाँ जल्दी जल्दी में गलत लिख गया, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, और HIV का, यस अब ठीक है तन्मय, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का कौन बताएगा? सार्थक, यस आई विल डू दैट, ठीक है। मैं खुद से तुम्हें अब क्या करती हूँ, अपने साथ एक प्लेलिस्ट, हर क्लास के बाद एक प्लेलिस्ट लेके आती हूँ और उसका लिंक भी लेके आती हूँ, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। ओके HIV का बताओ जल्दी से, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV, फास्ट, लेट्स सी कौन फास्ट आंसर देता है। वेरी गुड, तो किसने आंसर दिया है? आर्यन, थोड़ा थोड़ा ठीक है, इसका आंसर है यस, अब ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एक वायरस के थ्रू होता है। एक बार वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैल गया था, इतना ज्यादा फैल गया था कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल था, और बैक टू बैक लोग इसकी वजह से मर रहे थे। सबसे अच्छी बात यह है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इससे बचना आसान है, कोरोना की तरह नहीं है कि घर से बाहर निकले तो भी यह वायरस चिपक गया और डेथ कॉज कर दी, नहीं। अगर आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो, तो HIV आपको टच भी नहीं कर पाएगा, तो दिस इज द बिग थिंग। और उसके अलावा बहुत सारे प्रिकॉशंस एंड ऑल, तो फिर बहुत सारी चीजें आई थी कि हग करने से, हाथ मिलाने से नहीं ट्रांसफर होता, बहुत सारी चीजें आई थी, ठीक है। तो जब हम छोटे थे तो बहुत सारे एड्स इसी के ऊपर बनते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे HIV पॉजिटिव की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है। ओके कूल, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे, ठीक है, मैं पूरी प्लेलिस्ट अपने हर क्लास के बाद सब बच्चों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो देखो,
अब इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है। तो ये क्या करता है बेसिकली वायरस, मैं तुम्हें अब लिम्फ पढ़ा चुकी हूँ, तुम्हें पता है लिम्फ क्या करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है, जहाँ पे जितने भी वायरसेस और बैक्टीरियाज हैं उन्हें किल करता है। ठीक है, ये काम है लिम्फेटिक सिस्टम का, कि तुमने गलती से कोई तुम्हें कोल्ड का वायरस आ गया है तुम्हारे अंदर, तो क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम उसे किल करके खत्म कर देगा। लेकिन ये पर्टिकुलर वायरस क्या करता है, चुपचाप से तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाके तुम्हारे लिम्फेटिक सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आदमी इस HIV वायरस की वजह से नहीं मरता, ये वायरस कुछ नहीं मारता, बस ये लिम्फेटिक सिस्टम खत्म कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उस इंसान को नॉर्मल कोल्ड भी हो गया तो वो कोल्ड भी ठीक नहीं हो पाता और वो कोल्ड से ही मर जाता है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी इम्यूनिटी खत्म, इम्यूनिटी जीरो, तो ये सारे लोग जो HIV पॉजिटिव हैं, इन्हें कंटिन्यूअसली मेडिसिन लेनी पड़ती है, इन्हें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि वो गलती से भी बीमार ना पड़ जाएं, और अगर बीमार पड़ गए तो एक एक डिजीज बहुत बहुत महीने तक कंटिन्यूअस रहती है। ठीक है, तो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अटैक्स दी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड कॉजेज डैमेज टू द इम्यून सिस्टम सो दैट इट कैन डिफिकल्ट टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेन फाइटर है वो कौन है, WBC। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड सीरम सीमेन एंड वजाइनल फ्लूइड। अब इस ये ट्रांसमिट कैसे होता है, क्या क्या बॉडी में फ्लूइड्स हैं, जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक तो ब्लड से ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो सकता है, ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल से, उसके बाद वेजाइनल फ्लूइड से, सीमेन से, ठीक है, और ब्लड तो है ही फॉर श्योर। ठीक है, बेबी मदर से बेबी को भी ट्रांसफर हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर की बॉडी में जो बेबी होता है, तो मदर जो खाना है, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उसके थ्रू बहुत सारे एंटीबॉडीज भी मदर बच्चे को देती है। एट द सेम टाइम जब मदर बेबी को फीड कराती है तो वो जो भी एंटीबॉडीज लेती है वो बेबीज को भी ट्रांसफर होता है। तो जब एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही हैं, सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो वायरसेस भी ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो नो ऑब्वियस सिम्टम, सिम्टम कुछ भी नहीं है, बस कोल्ड होगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, कोई भी डिजीज होगी तो वो ठीक नहीं हो पाएगी। इम्यूनिटी ही किल करता है, इम्यूनिटी ही स्लो करता है, तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम, तुम्हारा WBC उसी को फिनिश कर देता है धीरे धीरे। वेरी डेंजरस डिजीज, तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा, बस क्या होगा, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम बीमार 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 और बहुत बीमार हो जाओगे। बट बेस्ट बात यह है कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, तो ये डिजीज तुम्हें टच भी नहीं कर सकती है। तो नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछो, यहाँ तक अभी डन है। कौन कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ा चुकी हूँ तो जो बच्चे न्यू हैं उनको जल्दी से बता देती हूँ। तो देखो, वैसे अब सर आपको 9 पढ़ा रहे हैं, बट मैंने जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, एक तो मैं सेल कंप्लीट पूरा डिटेल सेल पढ़ा चुकी हूँ, सेल डिवीजन का एक छोटा सा टॉपिक बचता है वो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। वो मैंने एक्चुअली टारगेट किया था कि मैं तुम्हें स्पेशल पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स सी आफ्टर दिस चैप्टर हम क्या कर सकते हैं। कोई सिम्टम नहीं है अजय के, बस तुम बीमार होगे किसी एक डिजीज से और होते जाओगे, सही नहीं हो पाते हैं, ठीक है, हमेशा बीमार ही रहते हैं। ठीक है, कोई सिम्टम नहीं है सच। अच्छा अनुराग, क्या करते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं इस केस में, बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं फीमेल को। पहले तो फीमेल्स को इसलिए हार्मोन्स दिए जाते हैं जिससे उनका जो एंडोमेट्रियम है, जिससे उनका जो प्लेसेंटा है, ये सारी चीजें वेल डेवलप हो। तो ये जो IVF वाले सारे पेशेंट्स है ना, इनको ये आर हाई ऑन हार्मोन रहते हैं। ठीक है, हाई ऑन हार्मोन रहते हैं जिसकी वजह से, हाँ, बट स्टिल अगर एंडोमेट्रियम डेवलप ना हो तो एबॉर्शन विल बी फॉर श्योर। ठीक है, यस यू कैन आस्क मी एनी डाउट। ठीक है, इफ यू हैव एनी। ओके, तो हम सेल पढ़ चुके हैं, डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, हमने एक्चुअली बहुत स्पीड से पढ़ा है ना हर्षित, इसलिए
डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस हम दो बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेसेस टू टाइम्स, एक बार वन शॉट रिवीजन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और क्या पढ़ा है हमने अर्षित? उसके अलावा हमने ये रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट डन, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स, ठीक है। और हाँ, एक और चैप्टर जो हमारा अभी थोड़ा सा आधा अधूरा सा है वो है व्हाई डू वी फॉल इल। काफी कुछ पढ़ ले यार, है ना। तो ये चैप्टर हमें फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना है। इफ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर देयर, मे बी इफ समडे अ मेल डोंट वांट टू यूज देम देन फीमेल कैन यूज इट, ठीक है। उनको नो आइडिया अभिनव, कंप्लीटली नो आइडिया, ठीक है। यस अजय, हम करेंगे ये पूरा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जेनेटिक्स के बाद, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पोर्शंस कट हो चुके हैं, तो फिर पहले जेनेटिक्स करा दूं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, राइट। चलो, सो गाइज, बाय बाय फॉर नाउ। जल्दी से जिसको भी एनटीएससी का जिस भी बच्चों को एनटीएससी, ठीक है, नाइन्थ के बहुत सारे चैप्टर्स तो हम कर चुके हैं ना, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, ठीक है। ये एक बार टेंथ फिनिश कर ले, देन विल सी, ठीक है। अब जल्दी से जिन भी बच्चों को लेना है सब्सक्रिप्शन, यूज कोड SPSEC10, ठीक है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे जो बग बाउंटी हैं ये मोस्ट वेलकम। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप अनअकैडमी पर बता सकते हो, आपको प्राइज भी मिल सकता है। बहुत बच्चे वेट कर रहे थे इस चैप्टर का, ठीक है। तो आई होप तुम्हें कुछ मिला हो, अगर कुछ मिला हो तो शेयर ऑन अनअकैडमी। क्यों पढ़ना है अनअकैडमी पर? तो भाई, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, मेंटरशिप, गाइडेंस, प्रैक्टिस टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, PDF फॉर्मेट। तुम हम जब हम थे तो हम NTSC के लिए टीचर्स ढूंढते थे, NTSC का कोई भी क्वेश्चन होता था जो हमसे सॉल्व नहीं होता था तो टीचर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, मैम प्लीज बता दो। और अगर NTSC क्लियर करने के लिए कोचिंग लेनी है तो कम से कम 50,000 रुपये देने पड़ते थे, विच इज अ बिग अमाउंट, राइट। अभी तुम्हें फ्री कोचिंग है, यूज इट, ठीक है। और NTSC का बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स हैं तो वो यूज करो, ठीक है। मेंटी कब है? हु इज टेकिंग मेंटी? हु इज टेकिंग मेंटी? ठीक है, तो प्राइजेस की अगर बात करूं, मेंटी कौन लेने वाला है मुझे बता दो जरा। फूड रिसोर्सेस का, अच्छा, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो चलो, प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो 19,250, ठीक है, 12 मंथ्स का है 13,750। जैसे ही कोड यूज करोगे SPSEC10, ठीक है, तो ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। जो रिड्यूस्ड अमाउंट है वो हो जाएगी 17,325 और वन ईयर की हो जाएगी 12,375। और तुम्हें ये अमाउंट देने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ 12,000 देने के बाद तुम्हारी लाइफ टाइम की जो पढ़ाई का खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी। तो 12,000 दो, अपने पैसे बचाओ, ये 12,000 तो लौट के भी वापस आ जाने वाले हैं, ठीक है, तो यूज इट। उसके अलावा अगर तुम्हें कोच चाहिए, ठीक है, जो तुम्हारे डाउट्स क्लियर करें, जो तुम्हारे लिए प्लानर फॉर्म करें, जो तुम्हें ये बताएं कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्लस वीकली रिपोर्ट भी शेयर करें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जिससे तुम्हारी डांट भी पढ़वा सकें, तो फिर ये वाला ले लो। इसमें अगर प्राइस की बात करूँ तो 57,000 है 24 इयर्स के लिए, 24 मंथ्स के लिए, इयर्स में क्या ही करोगे, ठीक है, 12 मंथ्स का है 35,500। जैसे ही कोड यूज करोगे SPSEC10 तो ये अमाउंट बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, 4,000, 3,000
रिड्यूस हो जाएगी, नई अमाउंट आ जाएगी 51,300 एंड 31,950। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस मेरी 1 PM पर होती हैं। ठीक है, अभी जाकर नेम के थ्रू सौम्या गौड़ सर्च करो, ठीक है, अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लो, मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस होंगी आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, फूड रिसोर्सेज के आगे तो बढ़ो, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो एनरोल कर लो जितनी भी मेरी स्पेशल, कल जो है मेरी स्पेशल क्लास 10th क्लास के लिए है, लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारे लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि मैं केस स्टडी डिस्कस करने वाली हूँ, हायर लेवल का है वो सारा वर्जन, तो वो बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से जाके एनरोल कर लो, 1 PM पर मेरी क्लास है, अभी से ही बता रही हूँ। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे टॉपर बैच स्टार्ट हो गए हैं, फ्रीडम टू लर्न बाय 2 ईयर क्लास 9th सब्सक्रिप्शन, गेट फ्री IIT जी नीट फाउंडेशन NTSC सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अभी वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो, सो कल मिलते हैं। व्हाट्स योर क्वेश्चन अजय? मैम इससे अपर लेवल तो नहीं पहुंचेंगे, अपर लेवल में कहाँ पहुंचना है, NTSC क्लियर हो जाएगा फॉर श्योर। अपर लेवल में जाने के लिए तुम्हें 11th टच करना पड़ेगा, बहुत सिलेक्टिव पढ़ाती हूँ मैं तुम्हें, मुझे किसी को भी पढ़ाने में, मैं नीट की जब वीडियोस बनाती हूँ तो इट्स वेरी इजी टू टीच फॉर नीट एग्जाम, क्योंकि बस खूब सारा पढ़ा दो बच्चों का क्लियर हो जाता है, बट जब बात NTSC की आती है तो तुम लोगों को ना तो ज्यादा पता है, ठीक है, तुम्हें ज्यादा पढ़ा दूंगी तो प्रॉब्लम, कम पढ़ा दूंगी तो NTSC का बहुत सोच सोच के, चुन चुन के क्वेश्चंस देख देख के सिलेबस बनाना पड़ता है, बाकी डोंट यू वरी, हम बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो आई होप सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है अजय, डोंट यू वरी, चलो, सो बाय बाय एवरीवन, लेट्स मीट ऑन थर्सडे और मे बी टुमारो एट 1 PM, टिल देन बाय बाय, लेट्स क्रैक इट टुगेदर।